हुनरदान संस्थान एनजीओ। तो आप सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं हम और विमल सोनी जी, और आशा करते हैं कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित और बहुत ही अच्छे होंगे। आप सब जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप सबको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। और हमेशा एक बात हम आपसे रिपीट करते हैं, कृपया नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, बेल आइकन का ऑल वाला ही बटन प्रेस करें जिससे आपके पास हमारे वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशन स्क्रीन पे ही आ जाएंगे। और आज हम अपने धर्म शास्त्र से जुड़ा हुआ एक बड़ा रोचक तथ्य है जिसके बारे में कुछ बात करना चाहेंगे। जैसे कि मैं अपने भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त हूँ, और हर हिंदू का फर्ज बनता है कि अपने ईष्ट के बारे में जिक्र करें। तो मेरे ईष्ट मेरे कृष्ण हैं, और ग्रंथ जो हमारा है वो परम ग्रंथ जिसे बोला जा सकता है हमारे धार्मिक ग्रंथों में, वो गीता है। बिल्कुल, है ना। तो गीता से जुड़ी हुई बहुत सी ऐसी बातें हैं जो लोगों को पता भी है, और अमूमन लोगों को क्या है कि आजकल बस खाया पिया घूमा फिरा कोई मतलब भी नहीं। खासतौर से युवा पीढ़ी को तो कोई लेना देना नहीं है कि नहीं गीता है क्या, गीता पढ़ना भी है क्या, कुछ मतलब नहीं, बस घूमो फिरो जिंदगी में, खाओ कमाओ और ऐश करो चलो जाओ, और इसके बाद कोई मतलब नहीं। मतलब जीवन का एक वास्तविक कोई परिचय है, जीवन के लिए कुछ सोचा है आपने तो, नहीं सोचा है तो अभी भी वक्त है, सोचिए। जीवन बहुत बड़ा भी है, जीवन बहुत छोटा सा भी है। तो इस बारे में ज्यादा वीडियो को बड़ा ना करते हुए मैं मेन पॉइंट पे आती हूँ। वो मेन पॉइंट ये है कि गीता प्रेस एक बहुत बड़ा कंपनी है, ब्रांड है, जो कि बहुत समय से बंद था, लेकिन आने वाली हमारी अभी की जो सरकार योगी जी की और मोदी जी की बीजेपी सरकार की वजह से हमारे ये जो गीता प्रेस को उन्होंने बड़ा प्रोत्साहन और सपोर्ट दिया। बिल्कुल, गीता प्रेस एक ऐसा हमारा प्रेस प्रकाशन है जो कि केवल धार्मिक पुस्तकों का ही प्रकाशन करता है, और स्पेशली सनातन धर्म हमारे जो संस्कृति से रिलेटेड, जैसे कि हमारी ये श्रीमद् भगवद् गीता है, हमारे पुराण है, हमारे जितने भी उपनिषद हैं, ये सारी चीजें जो हमारी धर्म से जुड़े हुई है, हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं, वो गीता प्रेस हमेशा प्रकाशन करता है। इसके अलावा कोई पुस्तक का प्रकाशन गीता प्रेस नहीं करता है, क्योंकि जो बाकी जो प्रकाशन है वो तो हमारे जो दैनिक जीवन की जो पढ़ाई के रिलेटेड जो पुस्तकें हैं वो छापते हैं, लेकिन गीता प्रेस केवल हमारे धार्मिक पुस्तकों का ही प्रकाशन करता है। क्योंकि ये जो गीता प्रेस है आज से नहीं, काफी पुराने समय चलता आ रहा है, और बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां आई थी जिसके वजह से गीता प्रेस एक समय बंद होने की कगार पर पहुंच गया था, लेकिन हमारी सरकार जो योगी और मोदी जी की सरकार है उन्होंने इस गीता प्रेस को थोड़ा प्रोत्साहन दिया, और हमारा गीता प्रेस फिर से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और इससे जुड़ा हुआ एक तथ्य हम आपको बताने चाहते हैं कि आज का न्यूज़पेपर जो वैसे आप सबको लग रहा होगा कि हुनरदान संस्थान एनजीओ में ऐसे वीडियोस का आना किस लिए, तो मैं आपको बता दूं कि हुनरदान संस्थान अपने बच्चों को, जो हमारे समाज के बच्चे हैं, उनको हुनरमंद बनाने के साथ साथ संस्कार सदाचार हमारे सनातन धर्म को लेकर के संपूर्ण जानकारी देने का और सिखाने का उन्हें प्रयास करता है। इसीलिए उन्हीं में से एक ये है गीता, जो मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ, सिखाती हूँ, और शायद इसीलिए इससे जुड़ी जानकारी आप तक हम लेके आ रहे हैं। वो जानकारी बाबा विमल जी बताएंगे। बिल्कुल, जैसे कि हमें पढ़ाई के साथ साथ, हमारे स्किल के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ, शिष्टाचार, सभ्यता, एक दूसरे से आदर करना, नैतिक शिक्षा, और ये सब चीजें बहुत जरूरी है, गीता ही सिखाती है। और ये सब चीजें हमें गीता सिखाती है, जो नैतिक शिक्षा हमें गीता सिखाती है। जीवन के जो उद्देश्य है, जीवन का एक मूल एक भाव है, जो सार है, वो हमारी गीता में ही है। जीवन में कितनी भी परेशानियां आती है, जीवन में आने वाली हर एक समस्या, हर एक कठिनाई, हर एक परिस्थिति का जो एक उदाहरण वो गीता में दिया गया है। कई बार मैं बहुत भ्रमित होती हूँ, बहुत कष्ट में होती हूँ, उस समय पर भी मैं गीता के कुछ ऐसे अध्याय पढ़ती हूँ जिसके बाद पढ़कर मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल प्रबल मिलते हैं, और फिर मैं आसानी से वो काम कर सकती हूँ जिस पे मैं दुविधा में रहती हूँ, कंफ्यूज रहती हूँ। जैसे ही मैं गीता पढ़ती हूँ मैं कंफ्यूज नहीं होती, बिल्कुल प्रबल हो जाती हूँ कि नहीं अब मुझे यही करना है। तो एकमात्र सोल्यूशन गीता ही है, जिसे पढ़कर हर एक परेशानी से उभरा जा सकता है। गीता ही जीवन का सार है, आपकी हर एक कठिनाइयों का उत्तर आपको गीता में अवश्य मिल जाएगा। अगर आप कभी किसी समस्या का समाज इसमें फंस जाते हैं और आपको उसका उत्तर नहीं मिल रहा है, तो आप गीता अवश्य पढ़िए। गीता के
हर एक अध्याय में कोई ना कोई सीख दी हुई है जो आपकी जीवन की किसी न किसी समस्या से आपको जरूर उबारेगी। तो मैं आपको मुद्दे पे आके बात करता हूँ जिस बारे में हम यहाँ वीडियो बनाने के लिए आए हैं। आज का जो दैनिक जागरण है उसमें एक न्यूज छपी हुई है गीता प्रेस की है। गीता प्रेस के लिए जर्मन कंपनी ने अपनी बदल दी मशीन की तकनीक, मतलब जो उनकी मशीन बनाने में जो तकनीक थी उसको गीता प्रेस के लिए बदल दिया है। क्यों बदला है ये मैं आपको बताता हूँ कि जो मूलर मार्टिनी एक कंपनी है जो कि ये जानवरों की चर्बी का जो गोंद बनाती है, जो जो पुस्तकों की बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग में जो गोंद इस्तेमाल होता है उसमें जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल होता था, लेकिन हमारी जो ये गीता प्रेस है, गीता प्रेस की जो भाव और उनकी जो धर्म है उसकी भावों की रक्षा करने के लिए, इस गीता प्रेस के भावों को बचाने के लिए उस जर्मन कंपनी ने अपनी जो टेक्नोलॉजी उसको बदल दी है। कंपनी ने दावा किया है कि कंपनी ने उसकी जो मशीनें थी उसमें पशुओं की चर्बी की युक्त जिलेटिन का इस्तेमाल होता था, लेकिन अभी गीता प्रेस के इन भाव और जो जो उसकी श्रद्धा है, जो सनातन धर्म या उनकी जो आस्था है उसको बनाकर रखने के लिए कंपनी ने अपनी टेक्नोलॉजी को बदल दिया है। अब उसने क्या किया है कि जानवरों की जो चर्बी युक्त जो गोंद था उसकी जगह पर सिंथेटिक एड्रेसिव का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि हमारे सभी लोगों के लिए, सनातन धर्म से जुड़े लोगों के लिए, हमारी आस्था के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि जो भगवान की पूजा के लिए जिसमें भगवान को एक पूजते हैं, जो भगवान का एक स्वरूप बोलते हैं, क्योंकि उसमें अगर हम जानवरों से जुड़ी हुई चीजें या जानवरों की चर्बी या ऐसा कुछ चीजें होती हैं तो हमारे लिए अशुद्ध हो जाती हैं, तो उस चीज के लिए इसमें लिखा हुआ है कि शुद्धता, शुचिता मतलब लिखा हुआ है यहाँ पर, शुचिता मतलब यहाँ पर शुद्धता से है कि स्वच्छता से, तो उस स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए चर्बी युक्त गोंद को हटा करके एक एड्रेसिव सिंथेटिक का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने लिखा हुआ है कि गीता पुस्तकों का जो पुस्तकें हैं वो केवल एक नॉवल पुस्तकें नहीं है, धार्मिक पुस्तकें ही हैं। तो इसमें लिखा हुआ है गीता पर धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन मात्र नहीं करता है बल्कि कार्य व्यापार में सनातन धर्म के मूल्यों की रक्षा भी करता है। जैसे कि नॉर्मली प्रकाशन होते हैं जो कि नॉर्मल पुस्तकें छापते हैं, जो पढ़ाई की पुस्तकें होती है, तो वो लोग क्या है व्यापार करते हैं कि पुस्तकें छापी एक साइड में डाल दी, बंडल पटक दिया, पूरा बंडल पटक दिया, वो उधर किसी ने उठाया उसको कहीं पटक दिया, ट्रांसपोर्ट स्टेशन में फेंक दिया, तो इस तरीके से वो कोई उसकी कोई वैल्यू नहीं करते क्योंकि वो जस्ट एक व्यापार मात्र होता है। लेकिन जो हमारा गीता प्रकाशन उसके बारे में एक चीज लिखी हुई है जो बहुत ही अच्छी लिखी हुई है कि गीता प्रकाशन में जो बुक जब छपती है तो उनको जमीन पर नहीं रखा जाता, ये चीज किसी को शायद नहीं पता, मुझे भी नहीं पता थी, ये चीज मैं भी पढ़ रहा हूं तो मुझे पता चल रहा है कि गीता प्रेस में जब यहाँ पर स्वच्छता, शुद्धता, श्रद्धा और आस्था इसका विशेष ध्यान रखा जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि छपाई के बाद यहाँ पर पुस्तकें भूमि पर नहीं रखी जाती है, मतलब जब बुक की छपाई प्रिंटिंग होती है तो उन पुस्तकों को जमीन पर नहीं रखा जाता है क्योंकि ईश्वर उसमें विराजमान हो चुका है। और यहाँ तक कि वहां पर काम करने वाले जो कर्मचारी भी हैं वहां पर वो भी उस जगह पर जूते उतार कर ही जाते हैं, ये भी इसमें लिखा हुआ है। और लिखा हुआ है कि बंडल बनाने से लेकर सिलाई करने से पहले या बाद में पुस्तकों को लकड़ी, प्लास्टिक या लोहे के पहियों के ऊपर जो बना हुआ प्लेटफॉर्म होता है उसके ऊपर रखे जाते हैं, कुछ जमीन पर नहीं रखा जाता है। मतलब ये बोला गया कि जिल्द लगाते समय भी, जब जिल्द लगाई जाती है पुस्तकों पर उस समय भी पुस्तकों को दैनिक ऊपर रखा जाता है, जमीन पर नहीं रखा जाता है। और उसके बाद लिखा हुआ है कि जब पुस्तकें पैक होकर कार्टून में पैक हो जाती है, जब ट्रांसपोर्ट ली जाती है, तब भी उन कार्टून को जमीन पर नहीं रखा जाता है, उनको उसको एक लकड़ी के जो प्लेटफॉर्म होते हैं उसके ऊपर रखा जाता है। एक बहुत अच्छी चीज है कि हमारी धार्मिक पुस्तक है उसको इतनी ये भाव, श्रद्धा और ये आस्था को जीवित रखने के लिए जो गीता पर से काम कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। कि गीता प्रेस के लिए हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि हमारी सनातन धर्म से जुड़ी हुई हमारे इस ग्रंथ को, महान ग्रंथ को इतनी तवज्जो, इतनी इज्जत, इतनी शुद्धता, इतनी आस्था से उन्हें समेट कर रखा हुआ है। और इसी के साथ मैं इस गीता के साथ साथ मैं दैनिक जागरण को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस खबर को अपने न्यूज पेपर में स्थान दिया, दैनिक जागरण का भी बहुत। हालांकि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम एक हिंदू हैं, सनातन धर्म से जुड़े हैं और हमारे हर हिंदू नागरिक का फर्ज बनता है जो हमारे ग्रंथ, हमारे पुराण से जुड़ी हुई किसी भी चीज की तवज्जो कहीं की जा रही है तो उसे और ऊंचा उठाया जाए। वो कार्य हम कर रहे हैं और हम ही नहीं, हम चाहते हमारे देश का हर हिंदू, हर नागरिक, हर जो अपने धर्म से जुड़ा है इसे उठाए और इसे तवज्जो दे। गीता प्रेस क्या सनातन धर्म से जुड़ी हुई जहां पर जो भी चीजें उभारी जा रही है उनका सहयोग अवश्य करे, क्योंकि अगर हमारी आने वाली पीढ़ी ने गीता या पुराण या हमारे महान ग्रंथ को नहीं जाना, हमारे धर्म को दबा दिया, तो विनाश निश्चित है। किसी एक विदेशी जो अंग्रेज था उसने बोला था कि अगर किसी देश का धर्म को अगर क्षति पहुंचा दी जाए
तो उस धर्म उस देश का विनाश हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये धर्म है जो हमारी हमारी जो आस्था है, अगर उसको अगर चोट पहुंचा दी जाती है तो उस वजह की वो हमारा विनाश होना निश्चित है। इसीलिए हमको अपने धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को बचा कर रखना है, इसको संजो कर रखना है, जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसको इसके बारे में बताना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जान सके। क्योंकि आने वाली हमारी जो पीढ़ी है वो इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देती है, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को इसके महत्व के बारे में समझाएं, इसकी वैल्यू के बारे में समझाएं कि ये केवल एक केवल पुस्तक मात्र ही नहीं है, ये हमारे धर्म, संस्कृति और आस्था से जुड़ी हुई पुस्तकें हैं, हमारी धरोहर है हमारी। बिल्कुल। और ये शायद आज मुझे पता नहीं चलता, चूंकि मैं मॉर्निंग में गीता पढ़ती हूँ, विमल जी जैसे ही इंटर कर रहे थे तो मैं आज दो दिन में एक दिन मेरा गीता पढ़ना होता है, दूसरे दिन मैं माला जपती हूँ हरे कृष्ण हरे राम महामंत्र के साथ। तो आज मैं महामंत्र का उच्चारण करके उठी तो मैंने विमल से कहा, विमल मुझे गीता प्रेस से जुड़ी हुई जो पुस्तकें आती हैं वो चाहिए, उससे गीता में बड़े अक्षरों। तभी जस्ट विमल जी ने इस बारे में जिक्र किया कि आपको नहीं पता शायद आज दैनिक जागरण के पेपर में आज का क्या डेट है, आज है 1 फरवरी फर्स्ट फरवरी। ओके, तो आज फरवरी का पहला दिन है, प्रथम दिन है, और प्रथम दिन यानी फरवरी के 1 तारीख के न्यूज पेपर को उठाइए, उसमें गीता प्रेस का बहुत बड़ा एक पूरा कवर है। आर्टिकल आपको दिखाना चाहूंगा, आप ये देख सकते हैं, ये आर्टिकल दिखेगा अभी, हम उसको दिखाएंगे। बिल्कुल दिखाएंगे अभी हम, तो अभी आपको बैक कैमरे से पूरा गीता प्रेस का जो प्रिंट छपा हुआ है वो हम आप सबके सामने लेके आएंगे। दैनिक जागरण के न्यूज पेपर को जिसने छापा है, प्रिंटिंग करने वाले को हमारा आभार, हमारे हिंदुत्व सनातन धर्म को बचाने के लिए जिसने ये पहल की है उसके लिए हम बहुत आभारी हैं, रेडी हैं, क्योंकि हमारे आने वाले समाज में हमारे बच्चे, हमारे पूर्वज जो भी छोड़ करके जा रहे हैं, हमारे पीढ़ी को देना हमारा परम कर्तव्य है, इस कर्तव्य से कतई पीछे ना हटे। और मैं प्रतिदिन हर एक समय को उपयोग में लेती हूँ, इवन मैं नहाने भी जाती हूँ तो अमोघ लीला या गीता से जुड़े हुए एक अध्याय को लगाती हूँ, जितना समय मैं नहाने में इस्तेमाल करती हूँ उतनी समय अपने कानों में गीता के स्वरों को सुनती हूँ, और जब नहा कर आती हूँ तो मंदिर में मुख से पढ़ती भी हूँ। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि समय का सदुपयोग करें, कभी कर्म के द्वारा और कभी भक्ति के द्वारा। गृहस्थ में रह के कर्म करना भी आवश्यक है और भक्ति भी आवश्यक है, इसलिए भक्ति के साथ गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपने समय को सदुपयोग में, अपने हिंदुत्व को बचाएं, अपने सनातन धर्म को बचाएं। और आज के वीडियो को अधिक लंबा नहीं करेंगे, लेकिन हम आपसे बार बार कहेंगे कि हमारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, अधिक ज्यादा शेयर करें ताकि हमारी वीडियो लोगों तक पहुंचे और हमारे द्वारा जी भी कुछ अच्छी चीजें लोगों तक पहुंचे, लोग पता लगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट करना जरूर चाहेंगे कि आप आने वाली पीढ़ी जो हमारे बच्चे हैं उनको हमारे धर्म, हमारी संस्कृति के बारे में जरूर बताएं, क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को, हमें आने वाली पीढ़ी को अपनी संस्कृति, धर्म, सनातन धर्म से जुड़ी चीजें नहीं बताएंगे तो वो बिल्कुल आने टाइम पे विलुप्त हो जाएंगे। उनको ये भी पता लगेगा कि हमारे धर्म संस्कृति से क्या थी, क्या सनातन धर्म था, क्या पुराण थे, क्या गीता थी, क्या उसके उपदेश थे, कोई नहीं जान पाएगा, क्योंकि इन्हीं सब चीजों पे हमारे जीवन का सार छिपा हुआ है, जीवन का उद्देश्य छिपा हुआ है, हमारे आने वाली हर एक परेशानी का उसका उसका उत्तर से छिपा हुआ है। इसलिए प्लीज कृपया आप अपने बच्चों को, वाली पीढ़ियों को जरूर बताएं कि हमारे जो सनातन धर्म जुड़ी पुस्तके हैं, ग्रंथ है, जो हमारी गीता है, उसको लोगों तक पहुंचाएं, अपने बच्चों को उसको ज्ञान दें कि चीजें भी हैं जो हमारे जीवन में हर एक परिस्थिति में हमारा साथ देंगी। आप देखिए हर धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति उसने अपने दिन डिसाइड कर रखे हैं। बिल्कुल। हर एक व्यक्ति, अगर ईसाई है तो वो संडे चर्च जाता है, मुस्लिम है तो प्रति शुक्रवार को वो अपनी मस्जिद में जुम्मे अदा करता है, परंतु क्या हिंदू धर्म में हमारे बच्चों ने या हमारे खुद के पेरेंट्स ने एक बार डिसाइड की कि हमें किस दिन या हमें किस समय पूजा करना चाहिए, हमें कभी गीता भी पढ़नी चाहिए, जबकि गीता एक महान ग्रंथ है, क्यों हम अपने बच्चों को ये चीजें नहीं दे रहे हैं? अगर आप हिंदू हैं तो अपने बच्चों को ये सारी चीजें सिखाएं, और अगर नहीं सिखा रहे हैं तो आप आने वाले समय में किसी भी चीज के लिए अपने बच्चों से उम्मीद नहीं लगाएं, क्योंकि गीता ही एक ऐसी चीज है जिसमें आप अपने बच्चों को दया, भावना, आस्था, भक्ति, बड़ों की इज्जत करना, किस कर्म से अच्छा और किस कर्म से बुरा परिणाम भी भुगता जाएगा,
ये बच्चों को नहीं पता चलेगा, ये सिर्फ गीता ही दे सकती है। इसलिए गीता की वैल्यू आप अपने बच्चों को अवश्य बताएं। हम अपने वीडियो को यहीं तक ही रखेंगे और बार बार आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ये केवल हुनरमंद बनाने का चैनल नहीं है बल्कि बच्चों को सनातन धर्म संस्कृति सदाचार नैतिक शिक्षा हर चीज देने के लिए बना हुआ है। क्योंकि हम केवल अपने संस्थान के माध्यम से केवल स्किल को केवल एजुकेशन को ही नहीं आगे बांटते बल्कि हम अपने बच्चों को शिष्टाचार सभ्यता बड़ों की आदर करना रेस्पेक्ट करना नैतिक शिक्षा जीवन के मूल्यों को भी बताते हैं ताकि बच्चों का केवल हमें केवल एक स्किल का ही डेवलपमेंट न करके उनका हमें जो एक चरित्र का विकास कर सके जो उनका चरित्र अच्छा हो सके। इंसान का चरित्र अच्छा होगा तभी वो आगे आके हर एक समस्या पे आगे खड़ा उतरेगा। बिल्कुल। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही प्रेरणात्मक वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।